आरपीएफ के ऑपरेशन थर्ड के तहत मुंबई के पास बोतल बंद अवैध पानी बेचने वाले 23 गिरफ्तार। देश भर में 800 लोगों की गिरफ्तारी। देश में गर्मी का प्रकोप जारी और पानी की मांग लगातार बढ़ती जा रही। इस मौके का फायदा अवैध पानी का कारोबार करने वाले उठा रहे हैं और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस पर रोक लगाने के लिए आरपीएफ ने देश भर के सभी रेलवे स्टेशनों पर अभियान चलाया, जिसे ऑपरेशन थर्ड का नाम दिया गया। इस अभियान के तहत अवैध पानी बेचने के आरोप में लोगों की गिरफ्तारी के साथ पानी की बोतलें भी बरामद की जा रही हैं। अब इन पानी के सैंपल को जांच के लिए भेजा जाएगा कि पानी पीने लायक है या नहीं। देश के अलावा रेलवे स्टेशन पर धड़ल्ले से चल रहा है अवैध बोतल बंद पानी का कारोबार। कई जगह पर पुराने बोतल में कहीं से पानी भरकर दोबारा सील्ड करने की शिकायत। आरपीएफ ने अवैध पानी को पकड़ने के लिए चलाई मुहिम, तो इस अवैध कारोबार में हॉकर्स, इलीगल हॉकर्स, कैंटीन वाले से लेकर पैंट्री कार के मैनेजर भी शामिल मिले। आरपीएफ ने मुंबई में कार्रवाई करते हुए 23 लोगों को गिरफ्तार किया है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को लगातार शिकायत मिल रही थी कि धड़ल्ले से रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को अवैध पानी बेचा जा रहा है, जबकि रेलवे में प्राथमिक तौर पर नीर बिकता है और अगर कम पड़ता है तो रेलवे दूसरे अच्छे ब्रांड को परमिशन देती है, लेकिन मुनाफाखोरी के लिए कैंटीन वाले हॉकर्स लोकल पानी चोरी से बेचकर लोगों की सेहत से खिलवाड़ करते हैं। ये वायरल वीडियो में तो एक बच्चा पानी का पुराना बोतल सील करते हुए दिख रहा है, लेकिन ये वीडियो कहाँ का है अभी तक पता नहीं चल पाया है। ये जरूर चला है कि वीडियो मुंबई का नहीं है। ऑपरेशन थर्ड के अभियान के तहत स्पेशल टीम बनाकर आरपीएफ ने तमाम स्टेशनों के हॉकर्स और स्टॉल पर रेड की। रेड के दौरान तमाम स्टेशन पर अवैध पानी मिला, जिसको स्टेशन पर बेचने की परमिशन नहीं थी। साथ ही वो पानी की बोतलें भी जिन्हें यूजलेस बोतल में पानी भरकर बेचा जा रहा था। कुल मिलाकर 801 लोगों को अवैध पानी बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया और रेलवे एक्ट 144 और 153 के तहत 732 केस दर्ज किए गए और गिरफ्तार किए गए लोगों के पास से 48,860 पानी की बोतल बरामद की। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस गोरख धंधे को चलवाने में ट्रेन की पैंट्री कार के मैनेजर भी शामिल थे। देश भर में 4 पैंट्री मैनेजर को आरपीएफ ने गिरफ्तार किया है। मिला ये सबस्टैंडर्ड बॉटल्स वगैरह रेलवे में बेचता है और ये ऑथराइज्ड एजेंसी है, अनऑथराइज्ड आदमी लोग भी। तो हमारा रेलवे बोर्ड से आदेश मिला हमको 2 दिन का स्पेशल ड्राइव चलाने के लिए। हमारा टारगेट था लाइसेंसीज और अनऑथराइज्ड आदमी दोनों को रेड करने के लिए आदेश मिला था। उसके मुताबिक हम लोग 2 दिन में ड्राइव चलाया। हमको ऐसे मालूम हो गया बहुत ज़्यादा सबस्टैंडर्ड वाटर बॉटल्स 20 रुपया रेट में रेलवे में बेच रहे हैं। उसमें एक पैंट्री कार में भी हम लोग रेड करा, वो पैंट्री कार में भी हमको सबस्टैंडर्ड और नॉट रिकग्नाइज्ड वाटर बॉटल मिला। और स्टेशन में भी हम लोग सर्च करा और इस रेड में 22 आदमी को हम लोग पकड़ा 2 दिन में। उसमें 4,400 वाटर बॉटल सीज करा। इसलिए ये ड्राइव हम लोग लगातार रखेंगे और रेलवे में कितना भी समस्या है इसके बारे में कंप्लेंट है वो सॉल्व करने के लिए कोशिश करें। सर, जिनको कितने लोगों को अरेस्ट किया है उसमें कुछ रेल कर्मचारी भी हैं या सारे ऐसे बाहर के कर्मचारी हैं? अभी 22 आदमी पूरा बाहर के आदमी हैं, इसमें रेलवे कर्मचारी कोई भी आया नहीं। और सर ये कार्रवाई कहाँ से कहाँ तक की गई थी, मतलब कौन से स्टेशनों पे? अभी हम लोग ये प्लान करा था, ये एंटायर डिवीजन कवर करने के लिए स्पेशल टीम बनाया था, बहुत कॉन्फिडेंशियली टीम बनाया था। वो इगतपुरी में और लोनावाला में, पनवेल में और कल्याण, कसारा, हर जगह में और सिटी का अंदर भी है हमारा CSMT, दादर, हर जगह में हम लोग कहाँ कहाँ स्टॉल है, कहाँ कहाँ लोग चढ़ता है, पानी लेके चढ़ता है, वो पूरा जगह हम लोग कवर कर दिया। इसमें 22 आदमी को हम लोग पकड़ लिया। सर, इसमें कुछ रेलवे के कर्मचारी भी शामिल होने की गुंजाइश है, क्योंकि बिना उनके परमिशन के, बिना उनके जानकारी के तो वो ऐसे डायरेक्ट ट्रेन में आके या ऐसे बेच नहीं सकते थे? अभी तक ऐसे जानकारी नहीं आया, ऐसे सपोर्ट कर रहा है।
हम लोग इस बार ये भी करा कि कहाँ से इसका ओरिजिन है, ये कहाँ से सब स्टैंडर्ड वाटर बॉटल्स आ रहे हैं, लोकल मेड वाटर बॉटल्स हो रहे हैं, वो जगह में भी जाके हम लोग रेड करा, उधर से भी हम लोग आदमी को पकड़ा, और ये रेलवे स्टेशन के आसपास दुकान है उधर से लोग लेके आता है, वो दुकान में भी हम लोग छापा मारा, उधर से भी हम लोग वाटर बॉटल्स वगैरह सीज करा।